सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो इस वक्त जितनी ज्यादा तपिश यूपी में है उससे कहीं ज्यादा तपिश इस वक्त प्रदेश की राजधानी में है, जहां दो चरणों में निकाय चुनाव होने हैं। 4 मई और 11 मई को निकाय चुनाव होंगे दो चरणों में और जिसके नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। तो ऐसे में तमाम दलों के प्रत्याशी अपने दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां हमारी जब टीम आगरा पहुंची तो वहां हमारी मुलाकात वार्ड नंबर 100 से प्रत्याशी राजू कुशवाहा से हुई। बीजेपी पार्षद प्रत्याशी है राजू कुशवाहा और लगातार ये 25 साल से क्षेत्र की जनता के लिए आवाज भी उठाते आ रहे हैं। वहीं कोरोना काल में जहां लोगों के सामने तमाम चुनौतियां थी अपनी जिंदगी को बचाने की, खाने पीने से लेकर के तमाम अपनी जो परेशानियां थी उसके लिए भी इन्होंने काम किया और कोरोना के समय में क्षेत्र के लोगों की ये लगातार मदद भी करते आ रहे हैं। और अब निकाय चुनाव लड़ने का जब उन्होंने फैसला लिया तो क्षेत्र की जनता का लगातार समर्थन भी इनको मिल रहा है। तो वहीं अब हमारे साथ राजू कुशवाहा जुड़ गए हैं जो कि भाजपा से पार्षद प्रत्याशी है आगरा के वार्ड नंबर 100 से। पहले तो मैं सर प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जी। राजू जी, निकाय चुनाव की तारीखें काफी नजदीक है और आप जनता के बीच लगातार जाके जनता के बीच जाकर उनका समर्थन मांगने का प्रयास कर रहे होंगे, तो जनता का जनाधार आपको कैसा मिल रहा है? मुझे जब भी मैं प्रचार करने जाता हूँ तो जनता का अपार प्यार और आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिल रहा है। और इसी बार बदलने ये कांग्रेस की सीट है, इसे बदलाव की ओर लाने का कार्य जनता पूर्ण रूप से कर रही है और मुझे पूर्ण 100% आशीर्वाद मिल रहा है, इससे कुछ ही सुरक्षित है। ठीक है राजू जी, लगातार जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आपने कोरोना काल में लोगों की सेवाएं भी की और लगातार आप लोगों के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं, तो किस तरीके से आपने जनता की कोरोना काल में मदद की वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था कोरोना काल को लेकर कि कोई भी व्यक्ति देश के अंदर भूखा नहीं सोएगा। उसी को लेकर जब हमारी पार्टी ने हमें घर घर तक राशन पहुंचाने एवं उनकी सुविधाओं का ध्यान रखने, दूध, कोरोना काल में सारी व्यवस्थाएं करने का जो अपने निर्देश दिया मैंने सरकारी किट प्लस अपने समाज सेवी लोगों से, अपने दोस्तों से इकट्ठा कर सब घर घर तक पहुंचाई। जो लोग जो कमी थी वहां घर घर तक राशन पहुंचवाया और कोरोना काल में जैसे वैक्सीन जैसी व्यवस्था अपने क्षेत्र में कैंप लगवाई गई, सैनिटाइज किया गया, ये मेरे द्वारा और मेरी सरकार के द्वारा आर्थिक राजू जी, आप भाजपा ने आप पर दाव लगाया है, तो आपका भाजपा में सफर कैसा रहा है और क्या ये आपका पहला चुनाव है जो आप लड़ने जा रहे हैं? जी, ये मेरा पहला चुनाव है लेकिन मैं आज से 30 साल पहले से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मेरा परिवार 40 साल से भाजपा की सेवा करता रहा है। मैं जिस वार्ड में 100 नंबर से चुनाव लड़ रहा हूँ वही मैं पैदा हुआ हूँ। ये मेरी जन्मभूमि है और अब ये कर्म भूमि है और मैं जनता से अपील करता हूँ आपके माध्यम से। आज से पहले भी मैंने संघर्ष पूर्ण राजनीति की अपने क्षेत्र में, जिसका काम था वो मेरे दरवाजा आज तक खाली नहीं गया। जो मेरे से प्रयास हुए मैंने पूर्ण रूप से किए, बाकी जो रह गए कुछ जो काम जो मेरे पार्षद के होते हैं उनका मैं संकल्प लेता हूँ। जीतने के बाद मेरा वार्ड मेरा बाड़ी मेरा नाम होगा, मेरा कर्म ही मेरा नाम होगा। ठीक है राजू जी, अभी आपने बखूबी जिक्र किया कि ये वार्ड नहीं आपकी जन्मभूमि है और कर्म भूमि है, और अभी आपने ये भी हमसे बताया कि कई कई काम ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, तो अगर जनता का समर्थन आपको मिलता है तो आप कौन से काम सबसे पहले कराएंगे जो आपके मुताबिक हो जाने चाहिए थे पहले? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और 15 साल से कांग्रेस जीत रही है, सीवर एक बेहतरीन बिल्कुल इतनी जर्जर समस्या हो चुकी है जिससे मैं खुद रूबरू हूँ, मेरे घर के सामने भी है, जिसका मैं संघर्षपूर्ण प्रयास करूंगा। पहली मेरी प्राथमिकता वार्ड नंबर 100 में सीवर लाइन को बिल्कुल सही कराने की होगी, क्योंकि अब बाबा कंपनी को जब हमारे नगर निकाय ने 40 लाख रुपए महीने का काम दे रखा है तब भी ये सुविधा क्यों नहीं सुधर रही है? बिल्कुल राजू जी, अभी आपने जिक्र किया कि आप लगातार 30 वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो भाजपा में आपका सफर कैसा रहा? भारतीय जनता पार्टी का
जो काम है वह राष्ट्र के नाम पर समर्पित है और उसका हर कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम करता है। मेरे नेता योगी और मोदी जी ने जो देश के लिए किया है मैं उसके लिए नतमस्तक हूँ। मेरा परिवार उसके लिए एवं मेरा क्षेत्र उसका बहुत बहुत आभारी है कि मुझे जैसे कार्यकर्ता को आज भाजपा ने अपनी टिकट देकर मुझे संघर्ष के लिए उतारा है। ठीक है राजू जी, अभी आपने ये भी जिक्र किया कि लगातार आपकी जो क्षेत्र है वहां से कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी अक्सर जीता करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से काम कराया गया है आपके वार्ड में या क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं, पूरी कांग्रेस के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि आज तक जो कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे उनका एक शौक था केवल पार्षद लिखना और घर पर नेम प्लेट लगाना। उन्होंने कभी नगर निगम नहीं देखा, कभी क्षेत्र नहीं देखा, पलट कर दोबारा एक एक गली की सड़क की हालत जर्जर पड़ी हुई है। जो काम पार्षद के होते हैं चाहे वह स्ट्रीट लाइट का हो, चाहे वह सफाई का हो, चाहे वह नाली करंजों का हो, चाहे वह सीवर सफाई का हो, एक काम अगर पार्षद के द्वारा कहीं पर दिखा दिया जाए तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल काम ही नहीं किया, क्योंकि शौक था उनका चुनाव लड़ना, वो जीत के जनता ने उन पर विश्वास उठाया, उस पर वो खड़े नहीं उतरे, इस बार उसका जवाब जनता चुनाव में दे देगी। ठीक है राजू जी, भी आपने ये भी बताया कि किस तरीके से जो कांग्रेस के विजेता पार्षद के प्रत्याशी रहे या सभासद भी रहे वो अपने घर के आगे बस नेम प्लेट लगा देते हैं कि वो चुनाव जीत गए हैं, वो पार्षद या सभासद बन गए हैं, अभी जैसा कि आपने बताया, तो ऐसे में जनता को विश्वास दिलाना कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आप जनता के बीच ही हर वक्त मौजूद रहेंगे? मैं इस जनता का ही, इस क्षेत्र का ही बेटा हूं, इस जो समस्या जो जनता झेल रही है वो मैंने खुद ने भी झेली है, तो जनता का अपार समर्थन है, उनका मेरे पे विश्वास है कि मैं संघर्षशील कार्यकर्ता रहा हूं और मैंने जहां तक प्रयास किए हैं वहां तक मैंने काम भी किए हैं, क्योंकि जिस जिसने मेरे से कहा मैंने किसी भी अपने विधायक जी से, माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा, मैंने वो अपने मेयर साहब द्वारा वे कार्य क्षेत्र में किए भी हैं, जिसकी मांग आज जनता में दिख रही है कि अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार बाढ़ में भाजपा सरकार और राजू कुशवाहा प्रत्याशी भाजपा का जीतेगा। बिल्कुल, आप एक लंबे अरसे से भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लगातार जुड़े हुए हैं भाजपा के साथ, तो भाजपा के कौन से दिग्गज नेता को आप अपना आदर्श मानते आए हैं? मेरे भाजपा के दिग्गज नेता हमारी पार्टी के नरेंद्र मोदी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, और अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी, और मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो माननीय MLC विजय शिवरे जी, जिनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहा, जिनका साथ मुझे हमेशा मिलता रहा, और आज तो मैंने नारा भी दे दिया है, मेरी सरकार ने दिया है, पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब ट्रिपल इंजन की बनेगी सरकार, हर गली मोहल्ले का होगा विकास, हर वार्ड का होगा विकास, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, और 100 नंबर का जो 30 साल का सूखा है उसे राजू कुशवाहा भाजपा के द्वारा कार्य करके उसे बिल्कुल सफा करते हैं। ठीक है, अभी आपने जिक्र किया कि किस तरीके से कांग्रेस ने काम नहीं कराया है, तो आपके प्राथमिक जो काम है वो कौन से होंगे जिसे सबसे पहले आप कराएंगे चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद मैं सबसे पहला काम कराऊंगा कि सीवर की समस्या का समाधान हो क्षेत्र में, जो गंदगी है जिसकी वजह से, गंदगी की वजह से लोग बीमार होते हैं, रोड पर निकलना मुश्किल है, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं तो उस गंदगी में से होकर निकलते हैं तो उनका जो मन है वो बहुत खराब होता है। अच्छा, आप महिलाओं और जो युवा है उनके लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि महिलाएं और युवा ही ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े वोट बैंक होते हैं? देखिए, महिलाओं के लिए मेरे नेता योगी जी ने कितनी बड़ी सोच रखी थी, सोच की व्यवस्था नहीं थी, जो नाली करंजों में जाते थे, जो खेतों में जाते थे उनके लिए शौचालय उपलब्ध कराए, मेरे नेता योगी जी ने अंत उदय तक उनके लिए राशन कार्ड बनवाए, उज्ज्वला योजना के तौर पर गैस सिलेंडर, अब तो होली और दिवाली पर भी फ्री सिलेंडर बंटवाए। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से विधवा पेंशन, महिलाओं के लिए योजना जो क्षेत्र में मालूम तक नहीं है, जो कि पार्षद का काम होता है योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना, सरकार ने योजना दे दी लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? ठीक है राजू जी, अभी आपने ये भी बताया कि आपके वार्ड में लगातार कांग्रेस का जो कब्जा रहा है, तो ऐसे में क्या जो सरकार द्वारा योजनाएं या नीतियां लागू की जाती है वो आपके वार्ड की जनता को मिल पाती है? बिल्कुल नहीं मिल पाती, क्योंकि वह पहुंच ही नहीं पाती, उन्हें मालूम ही नहीं होती कि आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है, उज्ज्वला योजना चल रही है, अपनी अंत्योदय योजना चल रही है, अपना विधवा पेंशन योजना चल रही है, 30,000 रुपए वाले मिल रहे हैं कोरोना काल में मृत्यु व्यक्ति को, उन्हें मालूम ही नहीं है, खुद पार्षद को नहीं मालूम कि ये योजना चल रही है तो वो क्या काम करेंगे, क्योंकि उन्हें बात करना तक नहीं आता।
ठीक है राजू अधिकारी जी, तो साहब से ऐसे बात में करना ये नहीं होता। सारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, ये आप कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, मैं उनके घर घर तक जाकर योजना मैं एवं मेरी पार्टी घर घर तक पहुंचाएगी। मैं स्वयं जाकर एक कैंप लगाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये योजनाएं पहुंचाने का कार्य करूंगा। एक मेरा एक उचित समय भी रहेगा, क्योंकि मैं क्षेत्र में रहता हूँ, 24 घंटे घर मिलता हूँ, तो वह आएंगे तो उनका कार्य पूर्ण रूप से मैं कराऊंगा। ठीक है राजू जी, क्या लगता है कि कोई और पार्टी का जो प्रत्याशी है या कोई और पार्टी है वो आपके क्षेत्र में आपके लिए चुनौती बन सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज से 30 साल पहले किसी ने संघर्ष, किसी ने जीत जीत कर जो लौटे नहीं, उनके मेरी टक्कर कहां से होगी? क्योंकि जनता ने अपार जो समर्थन मुझे दे रखा है, जो प्यार मुझे मिला, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे सामने टक्कर में भी आएगा। ठीक है राजू जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार जनता का समर्थन मांग रहे हैं, तो किस तरीके से आप जनता की भीड़ देखते हैं, और जब वो भीड़ देखते हैं जनता की आपके साथ, तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे जब वो कहते हैं ना काम की, जब कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, उन लोगों ने ये काम नहीं किया, तो एक मन में आक्रोश भी जागृत होता है कि उनके द्वारा काम नहीं किया गया। तो लेकिन उनके जब काम नहीं हुए तो उन्होंने जो मुझे प्यार मोहब्बत दी है, मैं उसे उनका ऋण का आभारी रहूंगा और उसे काम के तौर पर उतारने का कार्य राजू कुशवा करेगा। ठीक है राजू जी, अब आपने जो अपना एक नारा दिया था, उस नारे के साथ प्राइम टीवी के माध्यम से जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? उस नारे के साथ मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, अगर कोई भी घर घर तक, द्वार द्वार तक सब आएंगे, लोग भड़काएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहती है वही करती है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ मैं पूरे क्षेत्र में काम करूंगा। और ट्रिपल इंजन की सरकार जब बनेगी तो क्षेत्र की हर गली, हर मोहल्ला, हर नाली, हर करंजा, हर सीवर, घर जी घर तक सारी योजना पहुंचाने का कार्य भाजपा के प्रत्याशी होने के नाते, मैं जनता का सेवक होने के नाते सबको कार्य करूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ आगरा से वार्ड नंबर बहुत 100 बहुत के धन्यवाद। प्रत्याशी जुड़े हुए थे, जिन्होंने लगातार कहा कि भले ही यहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा हो, लेकिन इस बार कांग्रेस को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम भाजपा द्वारा किया जाएगा, क्योंकि आगरा की जनता जानती है वहां का विकास नहीं हुआ है। तो ऐसे में इसके नतीजे तो 13 मई को आएंगे कि आखिर जनता का साथ किसको मिला है और जनता का विश्वास किस पार्टी ने जीता है। इसका नतीजा आने में फिलहाल थोड़ा समय है, लेकिन अब चुनावी दौर है वो लगातार गर्म होता जा रहा है, क्योंकि अब प्रचार का शोर भी पहले चरण के लिए अब से कुछ दिनों में थम जाएगा। तो ऐसे में तमाम पार्टियों के प्रत्याशी जो है वो अपनी दावेदारी और जीत की दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो नगर संग्राम के आज के हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।